गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो अपना पिछला चैप्टर था रीजनरेशन, उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने रीजनरेशन के जो इंट्रोडक्शन था, उसके जो टाइप्स थे, उसका जो मैकेनिज़म था, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में, अगर एनिमल किंगडम की बात करें, तो उसके अलग अलग फाइलम्स में किस प्रकार से रीजनरेशन वर्क करता है और क्या एबिलिटी है एनिमल्स की रीजनरेशन की, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आप फैमिलियर थोड़े बहुत होंगे, आपको पता होगा इसके बारे में। स्टेम सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के स्टेम सेल होते हैं, क्या उनका काम होता है, और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक्चुअली स्टेम सेल होते क्या हैं। स्टेम सेल के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में एक रिज़र्व कैटेगरी होती है सेल की। रिज़र्व कैटेगरी बोलने का मतलब एक रॉ मटेरियल होता है सेल का, मतलब हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल तो हैं, ऐसे सेल्स हैं जो कि बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर जिस भी ऑर्गन को वो बनाते हैं, क्योंकि सेल्स हैं, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनाएंगे, तो जिस भी ऑर्गन को बनाते हैं वो वहाँ पे उनको क्या फंक्शन करना है ये उन्हें ऑलरेडी पता है। सो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल और डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये दो टर्म या फिर एक ही टर्म ये याद रखना, डिफरेंशिएटेड सेल। तो हमारे शरीर में नॉर्मली ज़्यादा मात्रा में डिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सेल है, जैसे मसल सेल है, कार्डियक सेल्स है, उसके अलावा अगर अपन बात करें, इनके अलावा नर्वस हमारा सेल है, न्यूरॉन्स हैं, हमारे नेफ्रॉन्स हैं, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स के जो सेल्स हैं उनका एक अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं पूछने जाऊँ कि कार्डियक सेल जो है उसका क्या फंक्शन है, या फिर मैं पूछने जाऊँ कि एपिथेलियल सेल है उसका क्या फंक्शन है, न्यूरॉन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, तो आप लोगों को पता होगा कि इनका क्या फंक्शन है, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए आपको पता है। पर अगर मैं पूछने जाऊँ स्टेम सेल का क्या फंक्शन है, तो आप नहीं बता पाओगे कि स्टेम सेल का क्या फंक्शन है, क्योंकि स्टेम सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। स्टेम सेल का इकलौता वर्क है डिवाइड करना। ठीक है, स्टेम सेल का इकलौता वर्क है डिवीजन करना, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहना। स्टेम सेल जब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो दो टाइप की चीज़ें बनती हैं। एक तो उससे स्टेम सेल बनेगा, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा। तो स्टेम सेल का जब माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है तो एक बनता है खुद स्टेम सेल, स्टेम सेल से स्टेम सेल बनता है, क्योंकि स्टेम सेल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा शरीर में नहीं रहता है, रिजर्व के तौर पे है। तो स्टेम सेल से पहले स्टेम सेल बनता है ताकि वो जो अमाउंट है वो मेंटेन रहे। और दूसरी चीज़ बनती है स्टेम सेल से डिफरेंशिएटेड सेल। तो जब स्टेम सेल से डिफरेंशिएटेड सेल बन रहा है, दैट मीन्स स्टेम सेल जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। स्टेम सेल की बात करें तो ये जो है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलने का क्या मतलब है? एम्ब्रायोनिक स्टेज में, और एम्ब्रायोनिक स्टेज में नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। हम लोगों की शुरुआत हुई जाइगोट से। ठीक है, जब तक जाइगोट है वो अनडिफरेंशिएटेड है, क्योंकि इस जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है? जाइगोट है। यही जाइगोट तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होते होते पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो जब इस जाइगोट को डिवाइड होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, और अभी तक ये जाइगोट ही है, दैट मीन्स कि ये अभी तक अनडिफरेंशिएटेड है। अभी कुछ पता नहीं है कि ये जाइगोट कौन कौन से सेल बनाएगा, उसके अलावा कहाँ कहाँ वो सेल जाएंगे, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्या वो एबनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट सिंगल सेल से शुरुआत हो रही है, तो जब सिंगल सेल से शुरुआत हो रही है और अभी भी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के फंक्शन नहीं पता है, वो हो गया आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल।
स्टेम सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, इसके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, इसका एक ही काम होता है ये डिवाइड करता है। अगर एक स्टेम सेल है तो वो जो डिवाइड करेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक से तो वो स्टेम सेल ही बनाएगा, तो ये स्टेम सेल है, इससे स्टेम सेल बनाया, और दूसरा जो सेल बना वो था डिफरेंशिएटेड सेल। मतलब ये जो सेल है ये फंक्शनल होगा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये कोई भी सेल हो सकता है, ये ब्लड सेल्स हो सकते हैं, न्यूरॉन्स हो सकते हैं, कोई भी सेल हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार का भी सेल बन रहा है, न्यूरॉन्स वैसे वापस रीजनरेट नहीं होते, तो ये मसल्स के सेल हो सकते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, किसी भी प्रकार के सेल हो सकते हैं। तो स्टेम सेल का जब डिवीज़न होता है तो एक तो स्टेम सेल बनता है, दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल बनता है। कहने का मतलब ये है पूरा कि स्टेम सेल वैसे सेल्स को बोला जाता है जिनके पास पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है किसी भी प्रकार के सेल में बदलने के लिए। क्योंकि इनके अभी तक क्या है, इनके पास कोई फंक्शन नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको अभी तक स्कूल में डाला नहीं गया, तो वो है अनडिफरेंशिएटेड। मतलब अभी वो किसी भी ट्रेड में जा सकता है, किसी भी ट्रेड में जा सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसे वैसे भी वो कुछ भी बन सकता है बड़ा होके, बट अगर प्रैक्टिकली हम देखें, अगर हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, अगर हम डिग्री से रिलेटेड बात करें, तो अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके पास अभी भी पूरा मौका है, वो कुछ भी बन सकता है। वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसकी जो मर्जी है वो बन सकता है, ठीक है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, सब्जेक्ट्स नए नए आते जाएंगे, वो पढ़ता जाएगा, क्वालिफिकेशन मिलती जाएगी, अप टू 10th 12th तक वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट होगा। कैसे डिफरेंशिएट होगा? सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पहली डिफरेंशिएशन ये होगी, वो पढ़ेगा या ना नहीं पढ़ेगा, वो स्टेम सेल रहेगा या डिफरेंशिएटेड रहेगा। तो पहली तो चीज़ यहाँ पे आ गई, पढ़ेगा तो उसके बाद आगे जाके क्या क्या हो सकता है, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, फिर एक डिफरेंशिएशन हो गया। साइंस में अगर आ गया तो फिर बायो लेगा या मैथ लेगा, फिर एक डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस तरह से ये जो डिफरेंशिएशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, इससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर सेल है उसको स्पेशलाइज्ड फंक्शन मिल जाता है, उसे पता चलता है आगे चल के वो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स जो हैं वही छोटा बच्चा है जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेम सेल क्या है? एक छोटा बच्चा है जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेम सेल के बारे में इतना याद रखना, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दे हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ओके, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन स्टेम सेल के बारे में कि क्या है स्टेम सेल। ये हमेशा ये याद रखना कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, दे आर नॉन फंक्शनल सेल, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक फिक्स फंक्शन। ओके, सो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक, दे डोंट हैव अ फिक्स फंक्शन, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी और विच इज़ हेल्पफुल और विच इज़ फंक्शनल इन आवर बॉडी। सो स्टेम सेल हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। ओके, स्टेम सेल हो गया अनडिफरेंशिएटेड सेल। टाइप्स पे आते हैं हम स्टेम सेल के, टाइप्स पे। टाइप्स की बात करें तो पोटेंसी के आधार पे, मतलब इनकी क्षमता के आधार पे इनको चार भागों में डिवाइड किया गया। क्षमता क्या, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सके, मतलब स्टेम सेल है, स्टेम सेल बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है। अगर वो कोई भी सेल बना सकता है मतलब उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर है, पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको अपन बोलेंगे टोटी पोटेंसी, मतलब टोटल पोटेंशियल, टोटल पावर। शरीर का कोई भी सेल बना सकता है, दैट मीन्स दैट सेल इज टोटी पोटेंशियल। ओके, सो सबसे पहले आता है अगर पोटेंसी के बेसिस पे टाइप्स अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, पोटेंसी के आधार पे स्टेम सेल जो है चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन की पावर है, किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, बॉडी में जितने भी सेल मौजूद हैं उनमें से कोई भी सेल बना सकता है, दैट इज़ टोटी पोटेंट स्टेम सेल।
टोटिपोटेंट। सेकंड, अब ये जो नीचे हम बढ़ते जाएंगे वन बाय वन, 1, 2, 3, 4, तो सबसे ऊपर टोटिपोटेंट है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके नीचे आएगा प्लूरीपोटेंट जो उससे कम पावरफुल है या उससे कम कैपेबल है, उससे कम कैपेबल है प्लूरीपोटेंट। थर्ड आता है मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, और फोर्थ आता है फाइनली यूनिपोटेंट। ये चार टाइप के स्टेम सेल होते हैं पोटेंसी के आधार पे। सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल किसके पास होती है? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स के पास, टोटिपोटेंट के पास होती है हाईएस्ट पोटेंशियल। किसकी? हाईएस्ट पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल, मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता होती है कि ये किसी भी प्रकार के शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार के सेल में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है और उसके फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट उसके मुकाबले थोड़ा कम पोटेंशियल वाला है, मल्टीपोटेंट और कम पोटेंशियल वाला है, यूनिपोटेंट वो सेल है जिनको स्पेसिफिक टारगेट रहता है कि उन्हें किस सेल में कन्वर्ट होना है, ठीक है। यूनिपोटेंट वैसे स्टेम सेल को बोला जाता है। तो टोटिपोटेंट की बात करें तो सिंगल सेल होता है टोटिपोटेंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना इसको, मैं बता रहा हूँ आपको। टोटिपोटेंट वैसा सिंगल टाइप ऑफ सेल होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि शरीर में मौजूद जितने भी सेल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार के सेल में वो कन्वर्ट हो सके और उनके फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे कि जाइगोट था, जाइगोट एक सेल है, वो क्या है? जाइगोट किसी भी प्रकार के ऑर्गन में, किसी भी प्रकार के सेल में, टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जाइगोट इज़ अ टोटिपोटेंट सेल, पर यहाँ पे स्टेम सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो जाइगोट जैसा ही एग्जाम्पल, वैसा सेल जो कि किसी भी प्रकार का सेल बना सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें प्लूरीपोटेंट की, तो प्लूरीपोटेंट का जो पोटेंशियल होता है डिफरेंशिएशन का, वो टोटिपोटेंट के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ठीक। प्लूरीपोटेंट का जो डिफरेंशिएशन का पावर होता है वो टोटिपोटेंट के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, और कम बोलने का मतलब कि टोटिपोटेंट जो है वो तो किसी भी प्रकार के सेल्स को, सेल्स का निर्माण कर सकते हैं और उनका फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्लूरीपोटेंट हैं वो सिर्फ उन्हीं सेल्स का निर्माण करेंगे जो कि जर्मिनल लेयर्स, तीन जर्मिनल लेयर होती है, उन तीन जर्मिनल लेयर से बने हुए जो भी सेल्स हैं सिर्फ उन्हीं सेल का निर्माण जो है वो प्लूरीपोटेंट करेगी, ठीक है। सो ये क्या होता है? सेल्स डिराइव फ्रॉम एनी ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, ये सिर्फ उन्हीं का क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट सिर्फ उसी उन्हीं में होती है, ठीक है। तो सेल्स डिराइव फ्रॉम एनी ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स। तो प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल होंगे वो सिर्फ उन सेल का निर्माण करेंगे जो कि तीनों जर्मिनल लेयर जो है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे डराइव हुई है। तो इन तीन जर्मिनल लेयर से बनी हुई जो भी सेल है उसका निर्माण प्लूरीपोटेंट सेल कर सकते हैं। ये प्लूरीपोटेंट सेल ही हैं जिनको अपन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल भी कहते हैं। ये प्लूरीपोटेंट सेल ही हैं, इनको अपन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट की अगर अपन बात करें तो इनके पास पावर होती है अलग अलग टाइप के सेल में डिफरेंशिएट होने की, पर प्लूरीपोटेंट के मुकाबले काफ़ी कम पावर होती है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही हैं जिनमें ये कन्वर्ट हो सकते हैं, एक से अधिक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं पर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे है हिमेटोपोइटिक सेल, ठीक है। हिमेटोपोइटिक सेल्स की बात करें तो वो किसी भी प्रकार का ब्लड सेल बना सकते हैं, बट स्पेसिफिक है, वो सिर्फ ब्लड सेल बना सकते हैं। ब्लड सेल में भी वो RBC बनाए, WBC बनाए, प्लेटलेट बनाए, वो कुछ भी बना सकते हैं, पर सिर्फ ब्लड सेल बना सकते हैं। तो वो मल्टीपोटेंट है, एक से अधिक सेल बनाने की उनकी क्षमता है, पर ऐसा नहीं है कि वो शरीर का कोई भी सेल बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपोटेंट में एक से अधिक सेल बनाने की क्षमता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बता रहे हैं हिमेटोपोएटिक सेल,
हेमाटोपोएटिक सेल जो हैं दे कैन गिव राइज टू एनी ब्लड सेल, ये जो है किसी भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हेमाटोपोएटिक सेल हैं ये किसी भी टाइप के ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस कारण से इनको अपन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की ही बात करें तो यहाँ पे जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं बोन मैरो में ये पाए जाते हैं पहली बात तो, ठीक है। और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का ही ट्रांसप्लांट होता है जिसको अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, बहुत समय से बहुत डिकेड से डॉक्टर्स इसे यूज़ कर रहे हैं। सो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही होते हैं, उनका जो ट्रांसप्लांट होता है वही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहलाता है, ठीक। फाइनली बात आती है यूनिपोटेंट सेल की, ठीक है। इनके पास एबिलिटी होती है ये सिर्फ अपने जैसा सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ अपने जैसा सेल जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन ओनली गिव राइज और दे कैन ओनली प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन टाइप, only produce cells of their own type, सिर्फ अपने तरह का सेल जो है उसी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिपोटेंट टाइप ऑफ सेल, मतलब इनके पास सिंगल पोटेंशियल है, एक ही प्रकार के सेल में कन्वर्ट होने की इनके पास क्षमता है। ये ज़्यादा अलग अलग डिफ्रेंसिएशन नहीं शो करते हैं, ये ज़्यादा प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये खुद जैसे वैसा ही सेल जो है नया प्रोड्यूस करेंगे। तो पोटेंसी के आधार पे तो ये चार थे, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार की पोटेंसी है, अलग अलग प्रकार की क्षमता है, उस आधार पे हमने चार भागों में स्टेम सेल्स को डिवाइड कर दिया। टोटिपोटेंट, वैसा सेल जिसके पास सबसे हाईएस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की। प्यूरीपोटेंट, वैसे सेल्स, वैसे स्टेम सेल जो कि जर्मिनल लेयर से बने हैं उन सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट, एक ही प्रकार का सेल होगा, मतलब अब जैसे ब्लड सेल है तो ब्लड सेल के अलग अलग टाइप्स हैं तो उनमें से किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, तो थोड़ा स्पेसिफिक रहता है। और यूनिपोटेंट, उस टाइप का सेल जो कि सिंगल ओनली प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन टाइप, सिर्फ अपने प्रकार का अपने जैसा सेल जो है सिर्फ उसी को ये प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा जो है ये सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ज़्यादा टाइप के सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चार प्रकार के स्टेम सेल थे, हमने पोटेंसी के आधार पे पढ़ लिए। उसके अलावा हम क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे उनके सोर्सेज के आधार पे कि जो स्टेम सेल हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल होता है, एडल्ट स्टेम सेल होता है और इंड्यूस्ड स्टेम सेल होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यही ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंसी, देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। सो टोटिपोटेंट इज द स्टेम सेल विच हैज़ द हाइएस्ट कैपेबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इन टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। प्लूरीपोटेंट इज कंपेरेटिवली लेस पोटेंट देन टोटिपोटेंट, द सेल्स डिराइव फ्रॉम ओनली एनी ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड, और दैट स्टेम सेल द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनी काइंड ऑफ सेल दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड और दैट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम थ्री जर्मिनल लेयर्स, ओके। मल्टीपोटेंट काइंड ऑफ स्टेम सेल, द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोटेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल द हीमोपोएटिक सेल, ब्लड सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम हीमोपोएटिक सेल। सो एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल, बिकॉज ब्लड सेल इज अ सिंगल काइंड ऑफ सेल, सो एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट इज लेस पोटेंट देन प्लूरीपोटेंट, सो किसी भी प्रकार का जो सेल है वो मल्टीपोटेंट से रिलीज हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। सिंगल टाइप का सेल, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल हैं, वो चलेगा, वो हो जाएगा। यूनिपोटेंट काइंड ऑफ सेल जो है वो सिर्फ अपने टाइप का सेल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ सेल, देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव। सो ओके, तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। स्टेम सेल्स इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, टाइप्स का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं स्टेम सेल का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा होते क्या है। इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, एक से दो वीडियो लगेंगे, हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।